जब राज्य में विधानसभा चुनाव आने वाले हो और राज्य की ज्यादातर जनसंख्या वोटर जनसंख्या युवा, ऐसे में सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। चुनाव जितना जमीन पर लड़ा जाता है उतना ही सोशल मीडिया पर भी लड़ा जाता है और इन दिनों सोशल मीडिया में चर्चा है मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक नेता की। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयोग। मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक ऐसा नेता जिसने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बाद सबसे ज्यादा फॉलोअर जुटा लिए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक ऐसा नेता जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बाद सबसे ज्यादा चर्चाओं में रह रहा है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सोशल मीडिया पर छलकदमी पड़ती जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है, कभी वीडियो तो कभी पोस्टर के बहाने। लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने फॉलोअर्स के मामले में लंबी छलांग लगाई है। ट्विटर पर जीतू पटवारी के फॉलोअर्स 1 मिलियन हुए हैं, कमलनाथ के 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, दिग्विजय सिंह के 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के फॉलोअर्स की संख्या 1.2 मिलियन है। अगर बीजेपी के नेताओं से तुलना करें तो सिंधिया या शिवराज सिंह, इनके मुकाबले में ये फॉलोअर्स कहीं नहीं आते हैं। लेकिन 1 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस करने के बाद जीतू पटवारी जरूर मध्य प्रदेश कांग्रेस में फॉलो किए जाने वाले तीसरे सबसे बड़े नेता बन गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के और किसी भी नेता की फॉलोइंग मिलियंस में नहीं जाती है। ऐसे में जीतू पटवारी खास हो जाते हैं। जीतू पटवारी इसलिए भी खास हैं क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस में जब कभी भी टकराव की बात आती है, मध्य प्रदेश कांग्रेस में जब कभी भी कोई युवा नेता चर्चाओं में आता है तो जीतू पटवारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों अजय सिंह राहुल भैया को या डॉक्टर गोविंद सिंह को सभी हाशिए में चल रहे हैं, उसके बावजूद जीतू पटवारी हेडलाइंस लेने से नहीं। क्यों? क्योंकि जीतू पटवारी एक ऐसे नेता हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं। जीतू पटवारी एक ऐसे नेता हैं जिनकी इंदौर में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, उनके पीछे युवा चलते हैं। यही कारण है कि जीतू पटवारी विधायक बनने के तुरंत बाद मंत्रिमंडल में आ गए और मंत्रिमंडल में आने के बाद भी उनको हाई प्रोफाइल मंत्रालय मिले। 2013 में जीतू पटवारी पहली बार विधायक बने। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो जीतू पटवारी को खेल और युवा मामलों जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया, उच्च शिक्षा युवा एवं खेल विभाग। इससे आप समझ सकते हैं कि जीतू पटवारी कितने इन्फ्लुएंसियर हैं। जीतू जिराती को हरा करके जीतू पटवारी जीते थे। उसके बाद जब वो 2013 में जीते थे उस समय पे मात्र वो अकेले विधायक थे इंदौर से कांग्रेस के, क्योंकि इंदौर में हमेशा से भाजपा की पकड़ रही है, भाजपा के बड़े बड़े नेता इंदौर से आए। लेकिन 2018 में उस इंदौर से कांग्रेस के 4 विधायक जीते और इसका क्रेडिट जीतू पटवारी को ही दिया जाता है। जीतू पटवारी का प्रभाव आसपास की 50 से ज्यादा विधानसभाओं में है। लेकिन मजे की बात यह है कि इतना प्रभावी होने के बाद भी जीतू पटवारी को बार बार केंद्रीय कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी इग्नोर करने के मूड में रहती है। हाल ही में जब जीतू पटवारी को एक मामले में सजा सुनाई गई तब कांग्रेस ने हंगामा तक नहीं किया, कांग्रेस की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हुई। जब कमलनाथ दिल्ली पहुंचे थे चुनाव कमेटी की बैठक में तब वो अपने साथ फोल्डर नेताओं को लेकर गए थे कांग्रेस के लिए, लेकिन जीतू पटवारी को लेकर गए थे। इससे पहले भी विधानसभा में जीतू पटवारी का जब स्थलम्बन कर दिया गया था उस समय भी कांग्रेस उनके साथ बड़ी नजर नहीं आई थी। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि जीतू पटवारी ने मीडिया से कह दिया और कमलनाथ ने जीतू पटवारी के कहे को सिरे से नकार दिया। इसके पीछे अलग तरह के कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है कि कांग्रेस की राजनीति हमेशा परिवारवाद की राजनीति रही है और मध्य प्रदेश में दो लोग हैं जो अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हैं। दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कमलनाथ चाहते हैं कि नकुलनाथ की राजनीतिक चांदी इकट्ठी रहे। ऐसे में जीतू पटवारी उन दोनों के बेटों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर जीतू पटवारी इसी तरह उभरते रहते हैं तो ना नकुलनाथ स्टैब्लिश हो पाएंगे ना जयवर्धन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठने का सपना देख पाएंगे। एक समय तो ऐसा भी था जब नकुलनाथ ने बयान दिया था कि मैं मध्य प्रदेश के युवाओं का नेतृत्व करूंगा और उसके बाद
इंदौर में जीतू पटवारी के समर्थकों ने पोस्टर लगा दिए थे कि न राजा न व्यापारी, अब की बारी जीतू पटवारी। खैर, देखते हैं कि मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में जीतू पटवारी क्या खेल रचाते हैं। देखते हैं कि जीतू पटवारी इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव को कितना प्रभावित करते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। और अगर आपके पास भी जीतू पटवारी के लिए कहने को कुछ है तो बताइए। आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। हम लगातार इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।